हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ उरूज फातिमा और आज हम स्टार्ट करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के चैप्टर फोर के पार्ट टू से इसमें हम पढ़ेंगे सीओपीडी के बारे में विच इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज तो ये एक वो कंडीशन uh, है जिसके अंदर जो लंग्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं यानी कि स्वेल हो जाते हैं और जो एयर एयर फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसमें जिसकी वजह से जो भी पेशेंट है वो प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाता है सो so, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज और सीओपीडी इट इज ऑल्सो नोन एज क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव लंग डिजीज क्रोनिक ऑब्सिव एयरवे डिजीज क्रोनिक एयरफ्लो लिमिटेशन एंड क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव रेस्पिरेट्री डिजीज एंड इट इज कैरेक्टराइज बाय इनफ्लेम्ड लंग्स यानी कि लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है एंड देर इज एन ऑबस्ट्रक्शन इन द एयरफ्लो बो टू द लंग्स एज वेल एज फ्रॉम द लग्स तो जिसकी वजह से क्या होता है जो भी पेशेंट इस डिजीज से अफेक्टेड होता है वो प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पाता है

क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है लंग एयर फ्लो का जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग में इंटरफेयर करता है एंड इस टर्म एस सी पी डी तो इसकी एक और डेफिनेशन है विच इज गिवेन बाय अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड इज एटीएस इट इज अ डिजीज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्लो लिमिटेशन ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिजा तो ये जो दो कंडीशन की यहाँ पे बात हो रही है विच इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिजमा तो ये दोनों मेन कंडीशन है जो की सीओ पी डी के टाइम पे आकर होती हैं

इंक्रीज कर देता है एंड इट मे बी ऑल्सो पार्शियली रिवर्सिबल चलीफिजेमा क्रोनिक ब्रॉन्ट तो चलिए सबसे तो तो पहले देखते हैं कि एम्फिजेमा क्या होता है तो एम्फिजेमा जो है ये वो कंडीशन है जिसके अंदर जो एयरसेग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं यानी कि खराब हो जाते हैं इन लार्ज हो जाते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है और वो बर्स्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसको एयर या फिर गैसेस एक्सचेंज करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है और जब पेशेंट प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पाएगा जो सीओ टू है उसको एक्सेल नहीं कर पाएगा इसकी वजह से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में जो कि साइन एन सिम्टम्स शो करेगा इस कंडीशन का तो uh, कुछ साइन एंड सिम्टम्स रहे हैं एम के जमा के शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन गोइंग फीलिंग ऑफ नॉट बी एबल टू तो गेट इनफ एयर क्योंकि जब प्रॉपरली पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाएगा तो उस केस में उसको ऐसा फील होगा उसके बाद इसमें लॉन्ग टर्म म्यूकस प्रोडक्शन होगा एक थिक लिक्विड बिल्डअप होने लगेगा उसके अलावा लॉन्ग टर्म का बहुत लंबे समय तक खांसी आएगी उसके अलावा इसमें आता है वीजिंग विच इज साउंड जब कोई पेशेंट ब्रीथ करेगा एक सीटी की आवाज आएगी उसके अलावा इसमें आएगा ऑन गोइंग फटी नेक्स्ट कंडीशन इसमें आती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की सो दिस इज द कंडीशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रॉन् इस कंडीशन में क्या होता है कि इट रिफर्स टू द इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फ्लेशन हो जाता है यानी कि स्वेलिंग हो जाती है और इरिटेशन कॉज हो जाता है जिसकी वजह से एक थिक म्यूकस का फॉर्मेशन होता है और म्यूकस बिल्डअप जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से पेशेंट को पहली चीज ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होती है दूसरा क्या होता है कि वो एक्सपेल करता है म्यूकस जिसको हम स्प्यूटम या फिर फ्लैगम भी कहते हैं तो जो सिम्टम्स है क्रोनिक ब्रकाइटिस के चलिए वो देख लेते हैं कफ दैट कंटिन्यूज फॉर एटलीस्ट थ्री मंथ फॉर टू ईयर्स इन अ रो अगर लॉन्ग टर्म कफ है किसी भी पेशेंट को तो वो एक मेजर सिम्टम होता है क्रोनिक ब्रॉकाइटिस का दूसरा इसमें आता है कफिंग और स्पिटिंग अप क्लियर और वाइट म्यूकस जैसा मैंने भी आपको बताया कि इसमें म्यूकस बिल्डअप हो जाता है यानी कि एक थिक लिक्विड होता है इसका बिल्डअप हो जाता है लंग्स में सो so, वो जो म्यूकस होता है वो कफ अप करता है पेशेंट टायर्डनेस टाइर्डनेस फील होती है पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि प्रॉपरली सांस नहीं ले पाता है पेशेंट और इसके अलावा इसमें क्या होता है चेस्ट डिस्कम्फर्ट और टाइटनेस ये होगा जो मेन टाइप ऑफ डिजीज जो सीओपीडी के टाइम पे आकर होते हैं एम्फीजामाइन क्रोनिक ब्रॉन्काइन टेस्ट तो चलिए अब इसकी एटियोलॉजी uh, देख लेते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं COPD टल फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन एंड स्मोकिंग सबसे मेजर फैक्टर्स है सी ओ पी डी कॉज होने के तो पोलूटेड एयर इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सी ओ पी डी एंड इट मे बी एज सी एज सिगरेट स्मोकिंग तो ये uh, मेनली उन लोगों को होता है जो कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से किसी भी डर्ट फ्यूम्स या फिर एनिमल डैंड इन सबसे एक्सपोज होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं सीओपीडी होने के दूसरा इसमें आता है एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस तो जब कोई भी पेशेंट का जो लंग्स हैं या उसका जो एयरवे है वो हाइपर रिएक्टिविटी शो करता है किसी भी स्टिमुल की तरफ उस केस में सीओपीडी होने के चांसेस सबसे सब ज़्यादा होते हैं नेक्स्ट इसमें आता है जेनेटिक फैक्टर्स तो अगर कोई भी पेशेंट है उसकी फैमिली हिस्ट्री रही होती है सीओपीडी की तो ये डिजीज कॉज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और दूसरा अगर फैमिली हिस्ट्री रही है किसी पेशेंट की कि उसके अगर जो भी पेशेंट है उसके फैमिली में किसी को भी ए ए टी डेफिशेंसी होती है बिच इज एल्फा वन एंटी ट्रिपिन डेफिशियसी ये एक प्रोटीन है जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है तो अगर इसकी डेफिशियसी होती है तो उस केस में भी सीओपीडी कॉज हो सकता है नेक्स्ट में आता है अर्लियर इन्फेक्शंस अगर पास्ट में जो भी पेशेंट है उसको कभी भी ट्यूबर या फिर निमोनिया जैसी अः uh, इन्फेक्शन हुए होते हैं तो उस, वो भी सबसे ज्यादा रिस्क पे होता है सीयूपीडी होने के नेक्स्ट इसमें आता है एज तो जैसे जैसे एज बढ़ती है जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जा जाता है तो इसलिए जो एल्डरली पेशेंट्स हैं जो ओल्डर एज के पेशेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं सीयूपीडी होने के नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में कि क्या क्या सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो कई कंडीशन कॉज करते हैं तो मेनली इसमें दो कंडीशन आती है एक तो एम्फिज दूसरी इसमें आती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कैसे कॉज करता है सीयूपीडी तो जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है इट इज अ अरेक्टराइज बाय क्रोनिक अफ एन एक्सेसिव स्प्यूटम प्रोडक्शन इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत को कफ रहता है लार्जर एयरवेज कि, कि जो एपिथीलियर ग्लैंड है लार्जर एयरवेज की जो कि म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं उसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है इसका जो साइज है वो अब नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट जो एम्फिजामा की कंडीशन है इसमें क्या होता है जो कि एयरवे है वो डैमेज होने लगते हैं यानी कि होने लगते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पेसिस बहुत ज्यादा इन हो जाते हैं इनका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से की कंडीशन कॉज होती है और सीओपीडी के टाइम में क्या होता है ये कंडीशन इसमें से कोई एक कंडीशन भी आकर हो सकती है या फिर ये दोनों कंडीशन साथ में भी आकर हो सकती हैं। तो चलिए अब हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं कि इसकी पैथजेंसी क्या है तो सबसे पहले इसमें फैक्टर आता है टोबैको तो स्मोक और एयर पोल्यूशन जब भी कोई भी पेशेंट आ, स्मोक करता है या फिर एयर पॉल्यूशन की तरफ एक्सपोज होता है तो उसमें सबसे पहला जो इसका चीज होती है वो क्या होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है एयरवे जैसे मैंने भी आपको बताया जो एपिथीलियल ग्लैंड्स हैं एयरवेज के उनका इंफ्लेमेशन हो जाता है या फिर हाइपरट्रोफी हो जाती है उसके जो एपिथीलियल ग्लैंड है उसमें उसके बाद क्या होता है कि ये इंफ्लेमेटरी सेल्स को रिलीज करता है यानी कि साइटोकाइंस जो कि इंफ्लेट्री मीडिएटर्स हैं फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल्स माइक्रोफेज एंड न्यूकोटिन इन सबको ये सब इंटमीटरी हैं जिनको रिलीज करता है कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो करते हैं उस कंडीशन के तो ये दो चीजें करते हैं या तो ये सिस्टमिक इफेक्ट शो करते हैं फॉर एग्जाम्पल मसल वीकनेस और वेट लॉस उसके अलावा ये क्या करते हैं इनहिबिट कर देते हैं नॉर्मल इंडोजिनस एंटी प्रोटीज को तो ये जो प्रोटीज है ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करता है तो जब इन एंटी प्रोटीएस का इनहिबिशन हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है जो प्रोटीज एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जो इलास्टिन जो कि कनेक्टिव लंग्स के जो कनेक्टिव टिश्यू है इनमें प्रेजेंट होता है उसका डाउन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जो कि इस कंडीशन को कॉज करता है इज एम्फिजा तो दूसरी चीज ये क्या करेगा ये इंफ्लमेशन जब होगा एवे एयथीलियम -E का जो कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स यानी कि साइटोकाइंस जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल्स माइक्रोफेज लिम्फोसाइड्स न्यूकोटिन एंड एंटरल्यूकिन इनको क्या करेगा वो रिलीज करेगा जिसकी वजह से सर्टन सिम्टम्स शो होते हैं तो इसमें सबसे पहला क्या होगा जो एंटी प्रोटीजे हैं तो प्रोटीएस जो होते हैं ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं तो एंटी प्रोटीएस जब इनहिबिशन होगा तो ये क्या करेगा ये प्रोटीज एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा जो कि इलास्टिन जो भी एक प्रोटीन है तो जो लंग्स में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है उसमें इलास्टिन प्रेजेंट होता है तो ये जो प्रोटीन है इसका ब्रेकडाउन कौन करता है ये प्रोटीज एंजाइम जो जिसकी वजह से क्या कॉज कर देता है एम्फिजेमा और इसमें क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्ब्यूलर सेप्टा एंड लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल ऑफ ब्रोंकियल ब्रोंकिअल तो इस कंडीशन में क्या होता है जो कि हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में उनमें बहुत ही ज्यादा इलास्टिसिटी होती है और इस कंडीशन की वजह से क्या होता है वो इलास्टिसिटी लूज कर देते हैं जिसकी वजह से वो इन हो जाते हैं यानी कि साइज में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और जब वो कोई भी एयर जो है हमारी बॉडी से एक्सहेल करते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उन ट्यूब्स में रह जाता है जो कि डैमेज कॉज करता है उस ब्रोंकियल ट्यूब तो ये हो गया एम्फिजमा के बारे में तो दूसरी चीज़ जो इम्लोमेट्री मीडिएटर्स करते हैं वो क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली क्या करते हैं ब्रोंकियल ट्यूब जो उनको इरिटेट करते हैं और उसमें इंफ्लेमेशन कॉज कर देते हैं यानी कि स्वेलिंग कॉज कर देते हैं जिसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है जिसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो है ब्रोंकियल ब्रोंकिलेडमाई यानी कि ब्रोंकियल ट्यूब्स का फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है उसके अंदर हाइपर सिक्रीशन होता है म्यूकस का जो कि जब पेशेंट जब पेशेंट को खांसी आती है तब ये म्यूकस रिलीज होता है स्प्यूटम या म्यूकस के फॉर्म में जो कि एक थिक वाइट लिक्विड होता है और इसके अलावा इसमें क्या होता है बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ एयरवे यानी कि जो एयरवेज उसमें तो बैक्टीरिया का कालोनाइजेशन हो जाता है तो और फर्दर ये क्या करता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है यानी कि एयरवे से जो है उससे प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है उसके अलावा एयर ट्रैपिंग हो जाती है यानी कि सीओ टू जो है वो ड्रग ट्यूब्स में ही रह जाती है उसके अलावा देर इज देर इज अ लॉस ऑफ सर्फेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड फ्रीक्वेंट एक्सास्ट तो यहाँ पे तो बात हो गई टोबैको स्मोकिंग की और एयर पोल्यूशन की तो इसके अलावा दूसरा फैक्टर जो कि मैंने आपको बताया था कि वो एक जेनेटिक फैक्टर है विच इज द इनहेरिटेड अल्फा वन एंटी ट्रिप्सन ये जो एंटीट्रिप्सिन होता है ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है तो जब इसकी डेफिशिएंसी होती है उस केस में जो लंग्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं तो जब भी पेशेंट स्मोक करता है या फिर एयर पोल्यूशन की तरफ एक्सपोज होता है तो वो लंग्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है जो भी ब्रॉन्क्यूल्स या एलवेलाइज जो प्रेजेंट है लंग्स में उसको बहुत ही ज्यादा वो अफेक्ट करता है तो ये जो डेफिशिय अल्फा वन एंटी की तो ये अगेन क्या करता है एंटी प्रोटीज का इनहिबिशन करता है जिसकी वजह से प्रोटीज एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और जो कनेक्टिव uh, uh, जो लंग्स के कनेक्टिव टिश्यू है, है उसका ब्रेक डाउन करता है और ये एम्फिजामा की जो कंडीशन है वो ये वो कॉज कर तो चलिए अब हम इस जो यू की कंडीशन है उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं तो uh, इसमें सबसे पहला आता तो है एम्फिजमा तो इसके जो कॉमन मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स हैं वो है डिस्पनिया विच इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग प्रोडक्शन ऑफ कफ एंड बैरल चेस्ट जो चेस्ट है, जो जो है भी पेशेंट का वो बल्जिंग शेप में हो जाता है कुछ इस तरीके से हो जाता है ये साइन एंड सिम्टम है उसके अलावा जब आ, कुछ टाइम तक वो कंडीशन रहती है तो ये क्या कॉज करता है क्रोनिक हाइपोवेंटिलेशन जो यानी कि जो पेशेंट है

तो ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं प्रोडक्टिव कफ जिसमें म्यूकस सिक्रीट होता है उसके साथ प्रोलोंग एक्सपायरेशन साइनोसिस क्रोनिक हाइपोवेंटिलेशन पॉलिसाइथीमिया कोर परमोनेल डिस्प्निया विच इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बैरल चेस्ट एंड बीजिंग तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं ब्रोंकाइटिस के तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है इस डिजीज की तो सबसे पहला इसमें आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो भी सीओपीडी अफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं फॉर एग्जाम्पल कोल्ड फ्लू एंड निमोनिया और ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं ये अगेन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉज करते हैं सांस जो पेशेंट होता है प्रॉपरली नहीं ले पाता है उसके अलावा जो लंग टिश्यूज हैं उनको भी डैमेज कॉज करते हैं नेक्स्ट इसमें आता है हार्ट प्रॉब्लम्स तो जो भी सीओपीडी पेशेंट्स है वो बहुत ज्यादा रिस्क पे होते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के जैसे कि हाई बीबी जो कि फर्दर एंजाइना पेक्टोरिक्स या फिर मायरोकार्डन इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है नेक्स्ट इसमें आता है लंग कैंसर तो सी के पेशेंट्स अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक टर्म के लिए ये होता है तभी आगे जाके ये एक्सटेंसिवली डैमेज कॉज कर देता है लंग के टिश्यूज को जो कि फर्दर लंग कैंसर भी कॉज कर सकता है नेक्स्ट इसका कॉम्प्लिकेशन है पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो सीओपीडी पी की वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इन दी ब्रिंग ब्लड टू द लंग्स नेक्स्ट इसमें आता है डिप्रेशन तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से और वीकनेस की वजह से जो पेशेंट होता है उसके अपनी डेली एक्टिविटीज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो समटाइम्स डिप्रेस भी हो जाता है नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इस कंडीशन को डायग्नोज कैसे करते हैं तो सबसे पहले जो फिजिशियन है वो फिजिकली एग्जामिन करता है पेशेंट को उसके सिम्टम्स को और उसके अलावा वो कुछ टेस्ट भी सजेस्ट करता है

स्पायरोमीटर जिसकी वजह से ये क्या करता है मेजर करता है द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सल बाय द पेशेंट तो नेक्स्ट इसमें आता है सीटी स्कैन ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जो कि एम्फिजमा और लंग कैंसर जैसे डिजीजेस को डायग्नोस करने में हेल्प करता है प्लस ये हेल्प करता है एक फिजिशियन को ये डिटरमाइन करने में कि जो जो भी पेशेंट है जो कि सीओपीडी से अफेक्टेड है वो सर्जिकल प्रोसीजर के लिए रेडी है कि नहीं सुनने इसके अलावा इसमें आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस आती है तो यह वो ये वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है या टेस्ट है जिस जो कि मेजर करता है द दफिशियंसी ऑफ द लंग्स टू डिलीवर ऑक्सीजन इन टू द ब्लड एंड टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड तो ये मेजर करता है कि जो लंग्स है हमारे वो कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसको ब्लड में डिलीवर कर सकते हैं और कितने अमाउंट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्लड से रिमूव कर सकते हैं उसके अलावा इसमें और लेबोरेटरी टेस्ट आते हैं और ये जो टेस्ट हैं ये सी ओ पी डी को डिटर्माइन करने के लिए तो नहीं लेकिन उसके जो सिमटम्स होते हैं उसको डिटर्माइन करने के लिए परफॉर्म करते हैं जैसे कि लेबोरेटरी टेस्ट

टेस्ट जो है सिर्फ उस केस में परफॉर्म करते हैं इफ द पेशेंट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीओ पीडी तो अब यहाँ पे बात होगी डायग्नोस्टिक टेस्ट की नेक्स्ट हम हम देखते हैं इसका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या है तो दो अप्रोचेज है इसमें एक नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच एंड एक फार्माकोलॉजिकल अप्रोच तो फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है इसमें बेसिकली क्या होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो भी फिजिशियंस हैं वो सजेस्ट करते हैं तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला इसमें आता है स्मोकिंग सी तो जो पेशेंट्स होते हैं जो रिस्क पे होते हैं सीओपीडी होने के तो सबसे पहले डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं कि वो स्मोक बिल्कुल भी ना करें क्योंकि सबसे मेजर पॉजिटिव फैक्टर है सीओपीडी या फिर एजमा का या फिर किसी भी लंग डिज़ीज़ का उसके अलावा नेक्स्ट इसमें आता है लंग थेरेपी और लंग थेरेपी में सबसे पहला आता है ऑक्सीजन थेरेपी तो इस केस में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन यानी कि स्पेयर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जब ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है वो किस वजह से होता है जब भी एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होगा उस केस में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जिसके लिए उसको स्पेयर यानी कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ये जो ऑक्सीजन है किसी भी लाइट वेट या फिर पोर्टेबल डिवाइस यानी कि कोई भी मूवेबल डिवाइस जो कि कैरी करने में ईजी हो उससे प्रोवाइड की जा सकती है और नेक्स्ट uh, इसमें आता है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ये एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है जिसमें uh, जो पेशेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं उनको एजुकेट करते हैं उनके डिजीज़ को लेके कि क्या क्या उनको प्रिकॉशंस लेने हैं क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं उसके अलावा इसमें ट्रेनिंग इंक्लूडेड होती है एक्सरसाइज और न्यूट्रिशनल एडवाइस भी दी जाती है ताकि जो भी पेशेंट है वो इस कंडीशन को अच्छे से टैगल कर सके और जल्दी उसकी कंडीशन इंप्रूव हो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में तो इसमें मेनली हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो जो सिम्टम्स आराइज uh, होते हैं सीओ पी की वजह से उसको कैसे हम रिलीव कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है ब्रोंकोडाइलेटर्स तो ब्रोंकोडाइलेटर्स बेसिकली क्या करते हैं जो ब्रोंकिस होते हैं फिर ब्रोंकिल ट्यूब्स होते हैं उनको डायलेट कर देते हैं वाइडन कर देते हैं जिसकी वजह से जो गैस एक्स आउटर एनवायरनमेंट में से वो इजीली हो पाता है तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं इसमें दो तरीके के आते हैं एक लॉन्ग एक्टिंग और एक शॉर्ट एक्टिंग तो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स का एग्जाम्पल है इंडाकेटेल एल्फ अल... एरफोमोटेल एक्डीनियम टाइट्रोपियोम सालमेट्रोल एंड फॉरमोट्रोल और जो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं वो है लेवल ब्यूटरॉल इप्राट्रोपियोम एल्ब्यूटरॉल तो ये बात हो गई ब्रोंकोराइलेटर्स की इसमें कुछ इनहेल्ड स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं ये जो ड्रग्स होती हैं ये इनहेल करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलर जो कि एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है जब भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है पेशेंट को और इसके एग्जाम्पल है ब्यूटिसनाइड एंड ग्युण फ्लूटिकासोन उसके अलावा इसमें नेक्स्ट आते हैं कॉम्बिनेशन इन्हेलर्स ये भी जब भी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होता है तो इनहेलर्स का यूज़ करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये कॉम्बिनेशन में हमेशा यूज किए जाते हैं तो इसके कुछ हैं एग्जाम्पल उसके अलावा इसमें आता है एंड तो इसके अलावा नेक्स्ट इसमें आते हैं ओरल स्टेरॉइड्स ये शॉर्ट टर्म कोर्स में दिए जाते हैं मोस्टली पांच दिन के लिए तो कुछ ओरल स्टेरॉइड्स का एग्जाम्पल है पिडनी सोन एंड हाइड्रोकोटिस और ये जो ओरल स्टेरॉइड है बेसिकली सीओपीडी uh, के सिम्टम्स जब इंक्रीज होने लगते हैं तो उसको बढ़ने नहीं देता है ये हमेशा मॉडरेट फेस पे रखता है नेक्स्ट इसमें आता है फोस्फोडाइस्ट्रेस फोर इनिबिटर्स तो ये जो है सीवियर सीओपीडी के, के केस में ये जो ड्रग्स होते हैं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और इसका एक एग्जांपल है रोफ्लूमाइलास्ट नेक्स्ट इसमें आता है थियोफिलीन ये एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है तो ये क्या करता है ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है और ये एग्जासरबेशन को भी डिक्रीज करता है कि जो भी वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स है सीओपीडी की उसको ये डिक्रीज करता है नेक्स्ट इसमें आता है एंटीबायोटिक्स तो इन सब ड्रग्स के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है सीओपीडी के केस में फॉर एग्जाम्पल एजिथ्रोमाइसिन लीवोफ्लोक्सिसिन सिफिक्जिम और ये सारी जो ड्रग्स हैं ये एक्यूट या फिर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस को ट्रीट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि इन्फ्लुएंजा निमोनिया एंड एक्यूट और एंटीबायोटिक्स सब ओरल इनके अलावा एंटीबायोटिक्स हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज है जैसे कि इन्फ्लुएंजा निमोनिया एंड एक्यूट ब्रोंकाइटिस तो इन सब जो ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज है इनकी वजह से क्या होता है जो सीओपीडी के सिम्टम्स होते हैं जो कि एक लंग इन फ्रेम लंग्स का जो कंडीशन होती है तो उसके जो सिम्टम्स हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगते हैं इंक्रीज़ होने लगते हैं इस तो उन कंडीशंस को अगर हम ट्रीट करते हैं तो अल्टीमेटली जो सी के सिम्टम्स हैं वो उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं और वो पेशेंट को उतना अफेक्ट नहीं करते हैं तो ये हो गया हमारा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि सी क्या होता है कितने टाइप्स का होता है कौन कौन से डिजीजेस उसमें आते हैं क्या उसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं कैसे उसको डायग्नोज कर सकते हैं प्लस कैसे उसको हम ट्रीट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रीनल सिस्टम डिसऑर्डर्स पे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो किडनी से रिलेटेड होते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब